नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बेस्ड और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी, और इस पर आधारित तीन मैथ्स के एक्सरसाइज होते हैं जिसका नाम है आपको जो बोट एंड स्ट्रीम होता है वो भी इसी पर आधारित होता है, और जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन होता है जो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न होते हैं वो भी इसी पर आधारित होता है। मतलब टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से तीन नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब दोस्तों हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, किलोमीटर पर आवर में मेजरमेंट किया जाता है। मतलब वी का फॉर्मूला निकल जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, या स्पीड बोलिए आप, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो किलोमीटर होता है, और जो आवर जो होता है वो टाइम का होता है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हम लोग का निकल गया, इसी से आप चाहे तो टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा, और इसी से चाहे तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए कि आपका जो ये है वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि मीटर पर सेकंड में होगा तो क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा जो भी संख्या होगा। मान लीजिए ये x है तो x को गुना करना होगा 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड में पहले से दिया है, आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है बाद में। तो ये मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा, तब जाके चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, 18/5। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा है 18/5 से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब दोस्तों हम टाइप वन क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा वन में लिखा गया है कि रमेश की चाल, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल से वापस आता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि एवरेज वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2xy एक्स प्लस में वाई। ठीक है, अगर मान लीजिए यही तीन लोग होते तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता, 3xyz हो जाता, 3xyz हो जाता, मतलब तीन बार आता जाता फिर जाता ऐसा कुछ होता, तब उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी क्या निकालते, ऐसे xy प्लस में yz प्लस में zx। तो फार्मूला मैंने लिख दिया, अब इस फार्मूला से आप डायरेक्ट बना सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, और मैं एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो दो गुना में कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर से जाता है और 60 किलोमीटर से आता है, बटे में क्या हो जाएगा, 30 प्लस में 60 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 30 प्लस में 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो गुना में 30 हो जाएगा, दो गुना में 30 लिख लीजिए, गुना में 60 लिख लीजिए, अपॉन में 90 लिख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब तीन से तीन दुना हो जाएगा, तीन तिया हो जाएगा, और ये 10 बार में कटेगा, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 × 40। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 20 × 40 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, और यही आपको क्वेश्चन में निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया कि यदि कोई साइकिल तीन असमान स्पीड से चलता है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों दिया हुआ है, तो समान दूरियों को तय करती है, तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल कितना होगा। तो अभी मैंने दूसरा फार्मूला बताया था वी एवरेज निकालने का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर टू और वी एवरेज निकालेंगे। तो मैंने फार्मूला लिखा था 3xyz बटे में xy प्लस में yz प्लस में zx ऐसा लिखा था। अब तीन गुना में लिख लीजिए, तीन गुना में कितना है, तीन गुना में देखिए तो 10 है, 15 है और 12 है। 10 गुना में
गुना में 12 ऐसे लिख दिया हमने, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा पहले, फिर 15 गुना में 12 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, और 10 गुना में 12 कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखेंगे तो हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 30 गुना में 180 लिख लेते हैं इसको, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बटे में क्या लिखा हुआ है सबको ऐड कीजिए तो 18 15 33 और 45 हो जाएगा, मतलब 450 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 15 बार में कटेगा, और ये कटेगा तो 12 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी वी एवरेज कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग इस सब क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम टाइप टू क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, मतलब स्पीड से तय करती है, तो आपको निकालना है कि उसकी औसत चाल कितनी होगी, औसत स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो 3-3 किलोमीटर का 4 अलग अलग दूरी को, मतलब 3 + 3 + 3 ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग निकाल के लिखिएगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि स्पीड भी बताया गया है, तो अगर हम लोग टाइम निकाले तो टोटल डिस्टेंस सफर में टोटल टाइम निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी अपने आप निकल जाएगा। तो टाइम निकालिएगा, तो टाइम अगर निकाले तो 3 किलोमीटर जाने में जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है। तो ये टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है। प्लस में क्या हो जाएगा, 3/3 में क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, 3/3 में दूसरा वाला, मतलब 3/3 में 20 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 3/3 में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 3/3 में 60 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, तो जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 30, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मतलब यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब टोटल हो जाएगा 36, मतलब आ जाएगा 36/60 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, 36/60 निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 36/60 लिखा हुआ है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, 36/60 हो जाएगा। तो गाड़ी की औसत गति क्या होगी, तो आपसे पूछा गया है कि गाड़ी की औसत गति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, औसत चाल क्या हो जाएगा, तो v एवरेज यही होता है ना औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस तो हमने निकाला है, टोटल डिस्टेंस हमने निकाला है, तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखे, यहाँ पे तो जगह है नहीं हम लोग के पास, यहाँ पे जगह है, वी एवरेज इज इक्वल टू माई टोटल डिस्टेंस अपॉन माई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 36/60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 12 या 36 होता है, 3 से कटेगा तो 3 से 20 बार में, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, ये औसत चाल निकल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करके एवरेज वेलोसिटी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जहाँ पे इस तरह के डेटा दिए होंगे वहीं पे आपका ये चीज काम करने वाला है, ठीक है ना। जहाँ पे फॉर्मूले से बनना होगा वहां पे फॉर्मूले से ही बनेगा, आप वहां कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार है आपके सामने। राम, श्याम और मोहन किसी यात्रा पर निकले। राम ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 1 घंटा तक, श्याम ने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 2 घंटे तक, मोहन ने 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 3 घंटे तक गाड़ी चलाई। पूरे सफर में औसत चाल बताए। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम, और ये फॉर्मूला भी मैंने शुरुआत में आप लोग को बता दिया, तो इसे आप लोग अच्छे से यूज कीजिएगा, अभी इसी को यूज करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया है कि 1 घंटे में, यहाँ देखिएगा, पहले राम ने 50 किलोमीटर की औसत गति से 1 घंटे तक चलाया, मतलब 50 गुना में 1 राम का स्पीड हो गया, मतलब राम का डिस्टेंस हो गया।
उसके बाद कौन है, श्याम। श्याम का हो जाएगा 48 × 2 हो जाएगा, 48 × 2, क्योंकि ये 2 घंटे तक चलाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और तीसरा आदमी है जो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है 3 घंटे तक, तो तीसरा आदमी का नाम क्या है, मोहन। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 156, 156 हो जाएगा। सबको जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, 302 किलोमीटर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 302 किलोमीटर निकल जाएगा। और टोटल टाइम अगर देखे, टोटल टाइम अगर हम लोग देखना चाहे तो यहाँ पे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मतलब कितना हो जाएगा, 2 3 3 6, 6 आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वी एवरेज। यहाँ पे लिखिए वी एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना है 302 और टाइम कितना है 6 आवर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50.3 किलोमीटर पर आवर, 50.3 किलोमीटर पर आवर वी एवरेज मतलब औसत चाल निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को। और टाइप 3 में अब हम चलते हैं, ध्यान से देखिए टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सुबोध अपने स्कूल से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, यदि उसे जाने और वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी निकाले। तो जाने और आने में कितने घंटे का समय लगा, 5 घंटे का समय लगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले कुल दूरी निकालेंगे। तो औसत वेलोसिटी निकालने आता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी हम लोग को निकालने आता है ना, टोटल दूरी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू में टाइम हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 × 30 कितने किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर, आता है 20 किलोमीटर, 2 × 30 × 20 बटे में कितना हो जाएगा, 30 + 20 हो जाएगा, 30 + 2 = 20, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे किससे, इसको गुना करेंगे हम लोग 5 घंटे से, क्योंकि इसको टोटल समय 5 घंटे लग जाता है आने जाने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 × 20 लिख लीजिए, 60 × 20 लिख लीजिए, और यहाँ अपॉन में 50 लिख लीजिए, 10 से 10 12 × 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ टोटल डिस्टेंस अगर लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 24। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया नहीं, टोटल डिस्टेंस को तो 5 से गुना करना है, सॉरी टोटल डिस्टेंस को 5 से गुना करना है, तो 12 × 24 = 120 मतलब 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस तय करता है 120 किलोमीटर। अब आगे देखिएगा, 120 किलोमीटर हो गया तो आपको क्या निकालना है, कुल दूरी निकालना था, तो हमने कुल दूरी निकाल दिया। ठीक है ना, कुल दूरी निकाल दिया हमने 120 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया कि राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो एक लाइन बना लीजिए, इसमें 2/3 भाग को कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 1/3 भाग के लिए कितना हो जाएगा, 1/3 भाग के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/3 भाग के लिए 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों लिखा हुआ है। अब ये ए हो गया और बी बी हो गया, मतलब ए से बी तक जाता है वापस नहीं आता है, तो यहाँ जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 2xy बटे में x + y, और इसको क्या कीजिए, 1/2 से भागा दे दीजिए, क्योंकि वापस नहीं आ रहा है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उससे घर से स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, मतलब वापस आता था, मतलब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं अभी। तो उससे पहले एक्स और वाई निकालना होगा, क्योंकि ये तो 2/3 भाग के लिए दिया हुआ है और ये 1/3 भाग के लिए दिया है, तो एक हिस्सा के लिए निकालेंगे कि एक हिस्सा के लिए स्पीड क्या होगा, और यहाँ से एक हिस्सा के लिए क्या स्पीड होगा, दोनों को निकालना है हम लोग को। तो 2/3 भाग के लिए, यहाँ पे 2/3 भाग के लिए जो इसका स्पीड है वो कितना है, 4 किलोमीटर। ठीक है, 2/3 भाग के लिए 4 किलोमीटर, मतलब एक हिस्सा के लिए 4 × 3/2 हो जाएगा, काटेंगे 2 बार में, मतलब 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर।
इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को निकालेंगे, दूसरे पार्ट को निकालिएगा इसी तरह, तो एक बटा तीन भाग के लिए निकालेंगे तो 15 दिया हुआ है, तो एक बटा तीन भाग के लिए 5 दिया हुआ है, तो एक हिस्सा के लिए क्या हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये एक्स निकल गया, ये वाई निकल गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ बनाए, अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, यहाँ भी जगह खाली है तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे 6 × 15 क्या हो जाएगा, 6 × 15 6 × 15 बटे में 15 प्लस में 6, तो ये 21 लिख लेते हैं हम लोग, सीधा लिख लेते हैं 21, 15 प्लस में 6 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है, 6 × 15 15 प्लस में 6, और ये कैसे आया ये मैंने बता दिया, वेलोसिटी निकल गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, शायद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तय की गई दूरी, दूरी इज इक्वल टू में क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम होता है, वेलोसिटी निकाल लिए 90 बटे में 21 निकाल लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 90 बटे में 21 तक है, और गुना में हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम दिया है, तो क्वेश्चन में देखिए टाइम कितना लगता है, 42 मिनट का समय लगता है, तो 42 लिखिएगा यहाँ पे, और इसको आवर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में है, 10 से 10 काटिए, 7 बार में ये कटेगा 42 से, और ये 7 3 बार में कटेगा, और ये 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल गया वो कितना निकल गया, आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए कि डिस्टेंस कितना निकलेगा, यहाँ से डिस्टेंस निकलेगा आपका 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने बना लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति क्या करता है, ए से बी तक की दूरी को तय करता है, जिसका आधा भाग, आधा भाग 10 के कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, और आधा भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। टाइम लेता है 6 घंटा, मतलब इस डिस्टेंस को तय करने में 6 घंटे का समय लेता है, तो आपको बताना है कि ए से बी तक की बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा ये कैसे हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2xy एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, 2xy एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, गुना में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 6 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे जो टाइम दिया हुआ है। अब 2xy इसमें आपको कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल तय करता है, हाफ हाफ पार्ट, मतलब 2 × 20 सीधा 20 को बैठा दीजिए और सीधा 10 को बैठा दीजिए, बटे में यहाँ पे 20 प्लस में 10 हो जाएगा, 20 प्लस में 10 हो जाएगा, गुना में 6 हो जाएगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू में दिख रहा होगा आप लोग को, डी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 20 से यहाँ सीधा गुना कर लीजिए तो 2 × 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 0, मतलब 400 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, गुना में 6 हो जाएगा, 6 × 5 हो जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 × 8 हो जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस हम लोग को निकालना था वो कितना निकल जाएगा, 80 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना निकल जाएगा ए से बी तक का, 80 किलोमीटर। तो पिछले क्वेश्चन जैसा भी हम लोग बना सकते थे, बट ये क्वेश्चन लंबा हो जाता, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों हम टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, वह और एक दूसरा बस है ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, ठीक है। उसके बाद पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटे कम समय लेती है, तो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी निकाले। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, वेलोसिटी 2 दिया हुआ ना, 50 किलोमीटर की चाल से और दूसरी 40 किलोमीटर की चाल से, मतलब एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई दिया हुआ है, जो हम लोग को चाहिए था एक्स और वाई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई दिया हुआ है और 1 घंटे का गैप है, वो भी लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम होता है, बस यहाँ पे यही काम करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी इंटू में टाइम, और वेलोसिटी को ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ वापस नहीं आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ वापस नहीं आ रहे, कंप्लीट दूरी को तय कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सीधा हम लोग क्या करेंगे, एक्स गुना में वाई करेंगे और बटे में एक्स प्लस में वाई कर देंगे, एक्स गुना में वाई और बटे में एक्स
माइनस में वाई कीजिएगा, क्योंकि एक आगे पीछे निकलता है, यहाँ प्लस नहीं कीजिएगा माइनस कीजिएगा क्योंकि आगे पीछे निकलता है, पहला वाला बस पहले निकल जाता है, बाद वाला बस बाद में निकलता है, और दोनों का समय के बीच में कितने का गैप है, एक का गैप है, तो कुछ नहीं कीजिए यहाँ पे क्या कीजिए, दो से भी ये गुना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब x का वैल्यू 50 हो गया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 50 में से 40 को घटा भी लीजिए, ठीक है, जो मैंने बताया ट्रिक किसी को यूज कीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा, और टाइम के बीच में एक घंटे का ही गैप है। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 गुना में 40 आ जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 50 गुना में 40 बटे में 10 हो जाएगा, 10 से 10 और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस निकल जाएगा, जो निकालना था हम लोग को 200 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना, 200 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये हमारा बन चुका है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, टाइप 5, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और टाइप 5 है, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हर एक टाइप को समझिएगा, इस टाइप से बाहर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को पूछा गया कि जब राम जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपना स्कूल जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब ये स्पीड होगा तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा, किंतु जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 22 मिनट पहले पहुंच जाता है, 22 मिनट बचाता है, तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी क्या है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, स्टेप से बताऊंगा, तो आप दोनों तरीके से बनाइएगा, पहले मैं आपको स्टेप से बताता हूं फिर आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर डिस्टेंस दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है, वीटी हो जाएगा, वीटी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे V1 लिख लीजिए, T1 लिख लीजिए, V2 लिख लीजिए, T2 लिख लीजिए, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों के बीच में। अब यहाँ स्पीड क्या लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्चुअल टाइम उसको लगता था एक्स, मान लीजिए एक्चुअल टाइम उसको एक्स लगता था, तो इससे टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यही बोला गया ना, ये इस टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 10 मिनट बचाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा अगर स्पीड इसका बढ़ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है, 22 मिनट बचाता है, 22 मिनट बचाता है। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं, तो 5 तिया 15 5 दुना अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, माइनस में 20 लिखेंगे, और यहाँ पे 3x लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस में 66 लिखेंगे। अब इन दोनों को घटा लीजिए, तो इन दोनों को घटा लीजिएगा तो आपका x कितना आ जाएगा, x तो हम लोग को निकालना नहीं है, हम लोग को क्या निकालना है, घर से स्कूल तक के बीच की दूरी को निकालना है। तो x इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में निकलना चाहिए 46 निकलना चाहिए, x इज इक्वल टू में क्या निकलना चाहिए, 46 निकलना चाहिए, मतलब 46 मिनट होगा, 46 मिनट होना चाहिए x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, डिस्टेंस आपको निकालना है, तो किसी एक पार्ट में आप पुट कीजिए, किसी भी एक पार्ट में, या तो इस पार्ट में पुट कीजिए, नहीं तो इस पार्ट में पुट कीजिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी, मतलब 10 गुना में एक्स के जगह पे 46 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 46 माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुना में यहाँ पे 36 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 360 हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दिया कि इसको 60 से भी तो भागा देना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से 60 से भागा देना है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, क्योंकि ये मिनट में है तो 60 से भागा इसलिए नहीं दिए क्योंकि दोनों का 60 एक दूसरे से कट जाता है। अब देखिए आप सही आंसर आ जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 6 किलोमीटर, मतलब घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी निकल जाएगी, 6 किलोमीटर। अब ये दोस्तों आप बोलेंगे कि बहुत लंबा बन गया, ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो मैंने बहुत लंबा बना दिया तो इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, तो ये तो स्टेप से बनाया इसलिए लंबा हो गया, बट इसको एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को एग्जाम में आप कैसे बनाइएगा, एग्जाम में तो एक लाइन में बनेगा, कैसे बनेगा, एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ डिस्टेंस निकालने का। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है और बाद में 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x इंटू में y करेंगे, x इंटू में y, मतलब है मैं डायरेक्ट आप लोग को बताता हूँ कि x इंटू में y करेंगे
अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में वाई करेंगे, ठीक है, गुना में, ये वेलोसिटी के लिए हो जाएगा। अब टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम के लिए टी टू माइनस में टी वन करेंगे, ज्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे और बटे में क्या कर देंगे, बटे में 60 कर देंगे, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ था तो आवर में बनाने के लिए 60 से भागा दिया जाता है। बस इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिएगा तो एक सेकंड में आपका आंसर आने वाला है, 10 गुना में 15 हो जाएगा, 10 गुना में 15 और 15 और 10 को घटा लीजिए तो 5 निकल जाएगा, गुना में टाइम को घटाइए तो 22 माइनस में 10 हो जाएगा और बटे में 60 हो जाएगा। अब 15 चौके हो जाएगा, 15 चौके हो जाएगा, 5 दुना हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 बटे में 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपका टाइम में यहाँ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा 6 किलोमीटर, किलोमीटर निकल जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जो भी मेथड आपको सही लगे आप उनसे बनाइएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल नियत समय से 7 मिनट देरी पे पहुंचती है, यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करती है तो पहले पहुंच जाती है, तो स्कूल तथा घर के बीच की दूरी, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम क्यों उतना लंबा करें जो हमने बनाया था पहले पिछली बार, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभी मैंने क्या बताया, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 6 में से 5 को घटा भी लेंगे, ठीक है, एक्स गुना में वाई, एक्स माइनस में वाई, ये किया हमने। अब ये गुना करेंगे, ये तो वेलोसिटी के लिए काम आ गया, अब यहाँ टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कम ज्यादा, मतलब प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, अपोजिट हो रहा है ना, मतलब पहले वाले कंडीशन में देरी पहुंचती है, दूसरे वाले कंडीशन में पहले पहुंचती है, तो ऐसा कंडीशन होगा तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, और दोनों कंडीशन में यदि पहले पहुंचती है तो माइनस कर देंगे, दोनों कंडीशन में यदि बाद में पहुंचती है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बट अपोजिट होगा, एक में पहले एक में बाद, तो हम लोग प्लस करते हैं, बटे में 60 कर देंगे, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, अपोजिट मतलब आफ्टर, आफ्टर में क्या करेंगे माइनस, बिफोर, बिफोर में क्या करेंगे माइनस, ठीक है, उसके बाद बिफोर आफ्टर या आफ्टर बिफोर, दोनों कंडीशन में क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 बार में कटेगा, 6 से 2 बार में कटेगा, और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 बटे में 1 हो जाएगा क्योंकि सब कट गया है, 12 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 12 बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू में 6 किलोमीटर आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने काफी आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अरविंद 2 बजे दोपहर में रवाना होता है और पी से क्यू तक की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। गोपाल 3 बजे दोपहर में रवाना होता है और क्यू की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलता है। गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा, ये निकालना है। तो देखिएगा पी से क्यू तक की दूरी, पी से क्यू तक की दूरी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कब पकड़ लेगा वो टाइम निकालना है। तो टाइम का मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, पीछा करने में लगा समय कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल चाल, मतलब इनिशियल चाल मान लीजिए एक्स था, एक्स गुना में क्या हो जाएगा टाइम, जो टाइम लगा, जो डिफरेंस है टाइम का, वो एक घंटे का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के टाइम में, टाइम लगा और चाल के बीच में अंतर, मतलब एक्स माइनस में वाई या फिर वाई माइनस में एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 5, जो पहला पर्सन है वो कितने की स्पीड से चलता है 5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि पहला पर्सन दूसरे को पकड़ने वाला है, ठीक है ना, पहला पर्सन क्या करता है दूसरे को पकड़ेगा तो वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, तो 5 गुना में 1, क्योंकि 2 से 3 को घटाएंगे, 2 से 3 को घटाएंगे तो 1 घंटे का गैप है ना, यहाँ पे 1 आवर का गैप है, बटे में 6, यहाँ 10 में से 5 को घटा लीजिए क्योंकि जो फाइनल है वो ज्यादा है, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब उसको पकड़ने में जो लगा समय है वो कितना है 1 घंटा। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है कि एक चोर दिन के 1:30 बजे गाड़ी चुराता है, मतलब दोपहर के 1:30 बजे, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है। उसके आधे घंटे के बाद क्या होता है, चोर का मालिक को पता चलता है और वो क्या करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। तो शाम को कितने बजे और कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा
पकड़ लेगा उसका मालिक, ये आपसे पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 1:30 बजे चोरी होता है, आधे घंटे बाद पता चला, मतलब मालिक को पता चलता है 2 बजे, मालिक 2 बजे से भागना स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखिएगा, 2 बजे से मालिक के भागेगा, तो 2 बजे से मालिक भागा, ठीक है, तो आधे घंटे में चोर, जो आधा घंटा होगा उसमें चोर कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, 40 किलोमीटर के हिसाब से 20 किलोमीटर को चोर पहले ही कवर कर चुका है, 20 किलोमीटर को पहले ही चोर कवर कर चुका है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर बाद ही चोर को पकड़ा जाएगा ना, ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि 20 किलोमीटर बाद चोर को पकड़ा जाएगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद उन दोनों के स्पीड में, मतलब ये चीज, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोग, चोर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मालिक भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वेलोसिटी को घटाया जाता है, जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या कीजिएगा, 50 में से क्या कीजिएगा, 40 को घटा लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर अब वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है क्या, अब हम लोग को जो निकालना है सो निकाल सकते हैं, तो हम लोग को पहले टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू में क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू में होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब ये कट गया, मतलब यहाँ से टाइम कितना निकल गया, टाइम यहाँ से 2 आवर निकल जाएगा, टाइम कितना निकल जाएगा, 2 आवर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, टाइम हमने निकाल लिया, अब आगे देखिएगा, टाइम हमने निकाल लिया, अब हम लोग को निकालना है कि मालिक कितने दूरी के बाद पकड़ेगा उसको, मालिक कितने दूरी के बाद पकड़ेगा वो आपको निकालना है, तो 2 आवर निकल गया, टाइम आपसे पूछेगा तो 2 घंटे इसमें जोड़ दीजिए, मतलब ये टाइम कितना होगा, 4 बज जाएगा, 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा, तो ये आपसे पूछा गया था सबसे पहले, टाइम यही टाइम पूछा गया था, कितने बजे चोर को पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, अब आपसे पूछा है कि दूरी, मतलब दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है मालिक का 50 दिया हुआ है, टाइम लगा 2 घंटा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस निकल गया आपका 100 किलोमीटर, मतलब मालिक को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ट्रेवल करना पड़ा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने बना लिया, 4 बजे और 100 किलोमीटर की दूरी पे चोर पकड़ा जाएगा। अब दोस्तों हम टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया कि अपनी वास्तविक चाल के 6/7 से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब कहीं पे उसको पहुंचना है, वहां पे पहुंचने में 25 मिनट ज्यादा समय लगता है, तो उसके पहुंचने का समय वास्तविक समय बताना है, तो 6/7 जो भी उसका स्पीड मान लीजिए v है, तो v का 6/7 चलता है और 25 मिनट देरी से, मतलब t प्लस में जो भी टाइम लगेगा उसमें 25 मिनट ज्यादा लगेगा, और एक्चुअल उसका कितना होगा, वेलोसिटी इंटू में टाइम, ये कहाँ से आ गया, ये आप लोग को पता होगा, डिस्टेंस से, जो दोनों डिस्टेंस है जहां पे उसको जाना है दोनों बराबर है आपस में, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिए, बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो 60 प्लस में क्या हो जाएगा, 60 प्लस में 150 हो जाएगा, 60 प्लस में 150 हो जाएगा, मतलब 70 हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, टी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो 150 तो मिनट में आ जाएगा, इसको टाइम में चेंज कीजिएगा तो 2/1/2 आवर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, हो सकता है उसमें पहले लिखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिएगा 14 में, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 5/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने मतलब जहां पे पहुंचना है वहां पे 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, इस दूरी को तय करने में उसका वास्तविक समय बताइए, तो इस दूरी को तय करने में उसको कितना वास्तविक समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ टाइम क्या लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है, यहाँ टाइम कितना लिखा हुआ है, 5/4, जो वेलोसिटी होता है उसका 5/4 होता है, और यहाँ पे दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही बना रहे हैं, टाइम यहाँ 20 मिनट पहले लगता है क्योंकि स्पीड अपना बढ़ा लिया वो, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू में टाइम हो जाएगा, ये क्या हो गया, d1 = d2, क्योंकि दोनों कंडीशन में वो सेम डिस्टेंस को तय करेगा, तो बी से भी कट जाएगा, और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो 5t - 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 100 मिनट, मतलब 1 आवर 40 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 आवर 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर ऑफिस जाता है, उसे ऑफिस जाने में वास्तविक समय से 30 मिनट अधिक समय लगता है,
वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगता, मतलब एक्चुअल टाइम आपको निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, स्टेप से भी बना सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, स्टेप से बनाइए, ज़्यादा आसान होगा और कभी भूलेंगे नहीं आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में वो सेम कवर करता है, तो डी वन इक्वल टू मिटी टू हो जाएगा। और यहाँ पे 3/4, 3/5 वेलोसिटी हो जाता है, जिसके कारण उसको टाइम क्या लगता है, जिसके कारण उसको टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब 30 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी और एक्चुअल टाइम हो जाएगा, तो वी से वी कट जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3t हो जाएगा और प्लस में 9t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को घटा लेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे तो 2t आ जाएगा, 2t आ जाएगा इक्वल टू में 90 आ जाएगा। अब ये कटेगा तो ये 45 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा टाइम, कितना आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, और देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी बना है वैसे ही हम लोग बना लेंगे, बट इसमें कुछ अलग डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि एक स्कूटर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है, और 8 घंटे में इसी यात्रा को तय करने में उसकी स्पीड कितनी होगी स्कूटर की, ये आपको निकालना है। डिस्टेंस तो जो स्कूटर है वो सेम कवर करेगा, डी वन इक्वल टू मी डी टू। मतलब पहले क्या होता है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रफ्तार होगा तो उसको 9 घंटे में वो अपने डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होगा तो टाइम कितना लगेगा, तो 8 छक होता है, 8 छक 48 होता है, मतलब टाइम इज इक्वल टू में 54 हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 9 छक 54 मिनट हो जाएगा, नहीं टाइम नहीं, सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू में 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। 54 किलोमीटर पर आवर मतलब वो क्या करेगा, अपने जो वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 8 मिनट लगेगा। 1 मिनट में यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू में वी इंटू में टी होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 मिनट में एक यात्रा तय करता है, कितने मिनट में, 48 मिनट में, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो यात्रा कितने समय में तय करेगा, मतलब इस बार आपको टाइम निकालना है, बट बनाएंगे तो इसी तरीके से। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। डी वन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डी टू निकल जाएगा, और वेलोसिटी 1 इंटू में वेलोसिटी 2 हो जाएगा, और वेलोसिटी 2 इंटू, नहीं वेलोसिटी 1 इंटू में टाइम 1, और वेलोसिटी 2 इंटू में वेलोसिटी टाइम 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 12 यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 48 लिखा हुआ है, और यहाँ टाइम कितना लगता है, 12 मिनट शायद लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं 12 किलोमीटर पर आवर 48 मिनट लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको टाइम नहीं पता है, तो टाइम टी टू नहीं पता है, बट आपको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया है, 16 किलोमीटर पर आवर। अब 16 से काटिए तो 16 दिया हो जाएगा, और टाइम टू कितना निकल जाएगा, 36 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, 36 मिनट हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो इसके लिए क्यों हम लोग कोई ट्रिक को अपनाए, जब इतना आसान है पहले से ये क्वेश्चन है, तो ठीक है ना। आगे देखिए, हर एक क्वेश्चन को के लिए ट्रिक को लिए ट्रिक को नहीं अपनाइए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टाइप चेंज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के पास, टाइप 9 है और क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि रमेश है किसी स्थान पर साइकिल से जाने और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों स्थान पर स्कूटर का प्रयोग करता है तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। दोनों ओर साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा, तो ये आपसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि पहले तो साइकिल से जाता है फिर स्कूटर से ज्यादा वापस आता है, मतलब साइकिल स्लो स्लो चलेगा तो स्कूटर फास्ट चलेगा, मतलब पहले धीमा जाता है फिर तेज जाता है, तो उस कंडीशन में उसको टाइम कितना लगता है, 6 आवर 30 मिनट। कितना लगता है, 6 आवर 30 मिनट। यहाँ तक आ गया।
अब देखिएगा, यदि दोनों ओर स्कूटर का यूज करता है तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 आवर 20 मिनट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 6 आवर 20 मिनट है। और स्कूटर का अगर प्रयोग करेगा मतलब दोनों ओर तेजी से जाएगा तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। अब पूछा कि यदि दोनों ओर साइकिल से जाएगा मतलब दोनों ओर स्लो जाएगा, जब स्लो जाएगा तो इस टाइम को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 आवर, मतलब उसको टोटल टाइम लग जाएगा साइकिल से जाने में उसी दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 में, किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 4 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, यदि वह दोनों ओर पैदल जाता है तो 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो 2 घंटे अधिक समय लगता है लिखा हुआ है, तो दोनों ओर सवारी से जाएगा तो कितना घंटे का समय लगेगा, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 19 में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4 घंटे 40 मिनट है ना, 4 घंटे 40 मिनट कितना दिया है, 4 घंटे 40 मिनट में से उस 2 घंटे को घटा दीजिए, उस 2 घंटे को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2 आवर 40 मिनट, आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर दोनों ओर सवारी से जाएगा तो केवल 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा उसको पहुंचने में। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से बना लिया हमने क्वेश्चन नंबर 19 को। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, टाइप चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 20 को, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में, टाइप 10 में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। बोला गया है कि ए से बी तक जाता है कोई व्यक्ति, ठीक है, ए से बी तक जाता है और बाद में क्या होता है, ये जाता है और ये आता है, तो दोनों कहीं पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे मान लीजिए मिलते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि दोनों व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, ए से बी तक जाता है और एक बी से ए तक वापस आता है, तो एक साथ चलना आरंभ करते हैं, वे रास्ते में एक दूसरे से किस स्थान पे मिलते हैं तथा पहला व्यक्ति मिलने के 4 घंटे बाद बी पे पहुंचता है। मान लीजिए कि इसका जो टाइम 1 है वो 4 आवर है, टाइम 1 कितना 4 आवर और टाइम 2 दिया होगा 9 आवर, ठीक है, वो देखेंगे आगे जाके क्वेश्चन में। तो मिलने के 4 घंटे बाद बी पे पहुंचता है जबकि दूसरा व्यक्ति 9 घंटे बाद पहुंचता है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ वेलोसिटी 1 दिया हुआ है, वेलोसिटी 1 कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिख लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी वो आपको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा, v1/v2, और यहाँ पे टाइम को t2/t2, दूसरे व्यक्ति का जो टाइम है ना उसको पहले, पहले व्यक्ति का टाइम को नीचे बस इस पे पुट कर दीजिए। तो v1 v2 कितना हो जाएगा, v1 v2 हो जाएगा, v1 पहले व्यक्ति का पता है 36, दूसरे व्यक्ति का v2 हम लोग को नहीं पता है, इक्वल टू में ये हो जाएगा कितना 9/4 हो जाएगा, ठीक है, डेटा देख लीजिए, T1 T2 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे अगर हम लोग बनाए तो कहाँ पे बनाए, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो 36/में क्या हो जाएगा, 36/में V2 हो जाएगा, इक्वल टू में स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में। अब यहाँ से जो वेलोसिटी 2 हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, कितना निकल जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि आप लोग को डिस्टेंस निकालने के लिए भी दे दिया जाता, तो डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाता तो आप लोग कैसे निकालते, तो जो पहला टाइम है ना, जैसे पहला टाइम है ये कौन सा निकाले, V2 निकाले, तो 9 गुना में क्या कर लीजिए 24 कर लीजिए, 9 गुना में 24 कर लीजिए, प्लस में 4 गुना में क्या कर दीजिए, पहले व्यक्ति का चाल मतलब 36 कर दीजिए, 4 गुना में 36 कर दीजिए, दोनों को कैलकुलेट कीजिए और ऐड कीजिए। तो ये कैलकुलेट करके जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मुझे आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, तो जब कैलकुलेट करके ऐड कीजिएगा तो कितना आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐड कर कीजिएगा कैलकुलेट करके, तो 360 आ जाएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 360 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस निकल जाएगा ए से बी तक का, ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से बी तक का, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, सभी कुछ मैंने बता दिया, बट यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी 2 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 2 आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान है और कितने आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि दो मनुष्य 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ करते हैं, ए से बी और दूसरा बी से ए, एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति 2 घंटे के बाद
मिलने के 2 घंटे के बाद बी पे पहुंचता है, तो दूसरा व्यक्ति कितने समय के 1 घंटे के बाद बी पे मतलब ए पे पहुंचेगा। तो वेलोसिटी 1 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 1 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। वेलोसिटी 2 कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी 2 दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। और टाइम 1 क्या दिया हुआ है, टाइम 1 कितना दिया है 2 आवर दिया हुआ है। फॉर्मूला हम लोग को पता है कि वेलोसिटी 1 अपॉन में वेलोसिटी 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा टाइम 2, मतलब मान लीजिए एक्स बाई में टाइम 1, वो कितना दिया हुआ है 2 घंटे दिया हुआ है, ठीक है 2 आवर दिया हुआ है। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 2 बार में कटेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब ये कट गया 2 बार में, मतलब है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू में 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट के बाद, कितना आ जाएगा 30 मिनट के बाद। तो ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसान था, पहले जैसा ही क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला पे आपको पुट करना था, आपका आंसर आ जाएगा आपके साथ। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 22 टाइप 11 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 से। देखिएगा एक व्यक्ति ए से बी तक है सुबह 6 बजे, ए से बी तक के लिए जाता है सुबह 6 बजे, चलना प्रारंभ करता है तथा 9 बजे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ए से बी तक जाना है, एक व्यक्ति 6 बजे चलता है और 9 बजे पहुंच जाता है, ठीक है। तथा दूसरा व्यक्ति उसी दिन क्या करता है कि 7:30 बजे चलना प्रारंभ करता है और 9:30 बजे तक पहुंच जाता है बी स्थान पे, ठीक है, जहाँ पे उसको पहुंचना है। बी से ए, मतलब ये एक व्यक्ति जाता है एक व्यक्ति आता है, ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो दोनों कब मिलेंगे, मतलब कितने समय पर मिलेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है, टाइम बताना है निकाल के। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो फॉर्मूला मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे। पहले व्यक्ति का टाइम ए मान लिए, दूसरे व्यक्ति का पहुंचने का, पहले व्यक्ति का पहुंचने का टाइम बी मान लिए, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का जो टाइम है सी और डी मान लेते हैं, चलने का टाइम पहुंचने का टाइम, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी बेस पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू में ए प्लस में बी माइनस में ए, यहाँ तक समझ में आ गया। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे डी माइनस में ए हो जाएगा, डी माइनस में ए हो जाएगा, बटे में बी माइनस में ए फिर से लिखेगा, यहाँ पे प्लस लिखेगा और डी माइनस में सी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो 6 बजे चलना स्टार्ट करता है पहला व्यक्ति, और बी माइनस में ए कितना हो जाएगा, तो बी माइनस में ए मतलब पहुंचता है 9 बजे और 6 बजे चला था, तो फाइनल समय और पहुंचने का समय मल्टीप्लाई में, दूसरा व्यक्ति 9:30 बजे पहुंचता है और ए का समय लिखेंगे 6 आवर, बटे में क्या लिखेंगे 9 माइनस में 6 लिखेंगे, और यहाँ प्लस का समय लिखेंगे डी माइनस में सी। तो 9:30 बजे से 7:30 बजे, मतलब 2 घंटा यहाँ लिख दीजिए, ठीक है 2 घंटा लिख दिया हमने शॉर्ट में। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस में कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2, क्योंकि 3.5 आवर को हम लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, बटे में यहाँ पे 3 प्लस में 2 मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 2 आएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 21/10, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको 60 से गुना करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए तो ये आवर में बन जाएगा, तो 126 आ जाएगा, 6 आवर ये पहले से है और 126 मिनट है, तो 126 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 126 मिनट है ना, ये आपको दिख रहा है, तो 126 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा लिख सकते हैं, तो 2 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए तो 8 आवर और 6 मिनट, 8:06 पर वो व्यक्ति क्या करेगा, मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा मिलने का समय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिलने का समय हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आएंगे एग्जाम में तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आदमी था, अब दूसरे क्वेश्चन में बस है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फॉर्मूला को मैं रहने देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला का भी काम होने वाला है फिर से। देखिएगा ट्रेन ए 8 बजे सुबह बक्सर के लिए प्रस्थान करती है तथा 12 बजे बक्सर पहुंच जाती है, पटना से बक्सर जाती है। दूसरा ट्रेन भी 6 बजे बक्सर से पटना के लिए प्रस्थान करती है और 12 बजे दिन में पटना पहुंच जाती है, ठीक है। बताएं दोनों ट्रेन ए कब मिलेगी, ये आपको बताना है, दोनों ट्रेन कब मिलेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं,
ए होता है 6 बजे से स्टार्ट होता है और 12 बजे पहुंच जाता है, मतलब बी हो जाएगा 12 बजे। 6 बजे कितने बजे लिखा हुआ है सुबह में? 8 बजे लिखा हुआ है, 6 नहीं। यहाँ पे ए के लिए टाइम जो लिखा हुआ है, ट्रेन ए के लिए 6 बजे और 12 बजे पहुंच जाता है, और दूसरे के लिए लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू में 6 बजे चलता है, और नहीं सी हो जाएगा, 6 बजे चलता है और कब पहुंचता है? 12 बजे पहुंचता है, ये भी 12 बजे पहुंचता है। तो ये दोनों कितने समय पर मिलेंगे ये आपसे पूछा है, बस इसी फॉर्मूले पे आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए इनको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस में बी माइनस में ए, तो बी माइनस में ए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इस बार डायरेक्ट लिखते हैं। और डी माइनस में ए, तो 12 में से ए जाएगा तो फिर से 4 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। बी माइनस में ए कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? बी ए, डी माइनस में सी, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 आवर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा? 8 प्लस में 16/10 हो जाएगा। अब इसको 60 से गुना कर दीजिए, आवर में चेंज कीजिए, ये कट गया, 96 हो जाएगा, मतलब टाइम जो हो जाएगा, एक्चुअल टाइम जो हो जाएगा यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू में 8 आवर प्लस में 96 मिनट हो जाएगा, 8 आवर प्लस में 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट है यहाँ पे, तो 9 आवर 36 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमने बना लिया, अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में एक बंदर एक ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, ठीक है, एक बंदर क्या करता है, एक किसी खंबे पर चढ़ता है, उसको 1 मिनट में 10 मीटर जाता है और अगले मिनट में क्या होता है, 3 मीटर फिसल जाता है। यदि खंबे की ऊंचाई 50 मीटर है तो कितने समय में चोटी पे पहुंच जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो 10 मीटर जाने में उसको 1 मिनट का समय लगता है, 10 मीटर जाने में 1 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट में केवल 7 मीटर ही जा पाएगा, 2 मिनट में केवल 7 मीटर ही जा पाएगा इस हिसाब से, क्योंकि वो अगले मिनट में क्या होता है, 3 मीटर फिसल भी जाता है। अब 7 मीटर जाने में उसको 2 मिनट का समय लगता है, तो 1 मीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, 2/7 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 1 मीटर जाने में 2/7 मिनट का समय लगेगा। अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग 7 से गुना कर दे तो इससे क्या हो जाएगा, हम उस डिस्टेंस के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे, मतलब 14 मिनट में ये कितना जाएगा, 14 मिनट में ये जाएगा 49 मीटर। अगर 49 मीटर तक चला गया, 49 मीटर तक चला गया तो केवल 1 मीटर और जाना है इसको, तो 1 मीटर जाने में इसको कितना समय लगता है, तो यहाँ निकाल दिया हमने, 1 मीटर जाने में 2/7 मिनट का समय लगता है और यहाँ पे 49 मीटर जाने में 14 मिनट का समय लगता है। बस कुछ नहीं करना है, अब टोटल टाइम निकालना है, तो 14 प्लस में क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, टोटल टाइम के क्या निकल जाएगा, 14 पूर्णांक में 2/7 मिनट निकल जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और यही आपका आंसर भी है, तो देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। एक बंदर, ध्यान दीजिएगा, एक बंदर 52 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे में, इस पर ऊंचाई दिया हुआ है, चढ़ना आरंभ करता है और पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है, जबकि दूसरे मिनट में 5 मिनट नीचे फिसल जाता है। फिर से आपको वही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा टाइम निकालना है कि 52 मीटर ऊंचे खंभे में पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, 2 मिनट में, 2 मिनट में कितना जाता है, 2 मिनट में ये जाता है 5, 15 प्लस में 5, मतलब 10 मीटर तक का ही दूरी तय करता है। ठीक है, 10 मीटर, अब इसको क्या कर दीजिए, आप 5 से गुना कर दीजिए और 50 तक पहले पहुंचिए आप, तो 10 मिनट में ये कितना जाएगा, 50 मीटर जाएगा, 10 मिनट में ये कितना जाएगा, 10 मिनट में जाएगा 50 मीटर जाएगा, 10 मिनट में कितना जाएगा, 50 मीटर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आप लोग को। आगे, जबकि दूसरे मिनट में वह 5 मीटर नीचे खिसक सकता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1 मीटर का निकाले, 1 मीटर का निकालेंगे तो यहाँ पे 2/ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ से 2 मीटर का निकालेंगे क्योंकि 2 मीटर और चाहिए, 50 प्लस में 2 52 होता है, तो 2 मीटर और चाहिए, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे काटिए तो पहले 1/5, अब 2 मीटर जाने में 2/5 मिनट का समय लगेगा। ये क्या हो गया, 2 मीटर जाने का टाइम निकाल लिए, अब टोटल टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस में 1/5, मतलब है जो टाइम लगेगा
दस पूर्णांक में 1/5 मिनट का समय लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने टाइप वाइज इनको देख लिया और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हमने कॉन्सेप्ट और ट्रिके दोनों से मिलाकर इन सभी क्वेश्चन को बनाया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।